तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सब? क्या हो रहे होंगे? खबर? जी हाँ, खबर ही हो रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपने देख लिया हो यार, ये डेली देख लेते हम, क्यों बता रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एक मूवी का नहीं, बेसिकली टीजर का रिव्यू, फर्स्ट लुक का रिव्यू, कि आगे मार्शल होने क्या वाले, क्या वाली क्या एक्सपेक्ट करें इस मूवी से, इस बंदे से और इस इंडस्ट्री से। हाँ, इंडस्ट्री से भी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। शुरू करें? जी हाँ, चलो प्ले करते हैं। 3, 2, 1 प्ले। शेर जो सो रहा है वो जागेगा कब? क्यों? कल जागे। पूछते हैं ये सब। नाइस, लेटर दिया देना। उनसे कह दो कि फिर जाग उठा हूं मैं। मौत से खेलना जिंदगी है मेरी, जीतना ही मेरा काम है। तुम तो हो जानते जो मेरा नाम है। शायरी अच्छी हो गई यार, तमिल मूवी वाली है। इससे तो बाहर निकला है, लाइटर बुझा भी नहीं है ना। लाइटर मुल्कों की पुलिस ढूंढती है मुझे, बाहर नहीं लग पाई, बाहर ही लग लेगी। डॉन साहब आ गए यार। ये वो डॉन है जो कहता नहीं है कि यार भजन जरा डॉन दिखाना। हाँ जी, वो दिखा। ये भाई डॉन वो है जो मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, रुक मैं डॉन लेके आना। हाँ, डॉन लेके आना यार, ये जरा सस्ते वाला डॉन है यार। तू जगह तो कर, 4 फुट 6 इंच का डॉन, बाकी सारे उत्ते लड़न देने, डॉन साहब चले अपने लड़न देने। ये किसके साथ लड़ रहा होगा सोचो यार, मतलब क्या फरहान अख्तर को क्या सूझी है, कोई लंबा चौड़ा कोई शक्ल से लगने वाला डॉन तो लेता है। माई मनी माई रूल्स, समझ आती है बात तुम्हें? अच्छा, इसको बंदा नेपोटिज्म भी नहीं कहता था यार, इसका तो कोई पाप था भी इंडस्ट्री में नहीं था यार। रणवीर सिंह की एक्टिंग बुरी नहीं है, लेकिन डॉन यार डॉन, ए भाईजान मैं बताता हूँ यार, दीपिका ने कोई जादू चलाया होना है, कुछ कहा होना पुराना तो भाईजान, इसको लाओ डॉन, वरना इसकी शक्ल और इसकी करतूत तो डॉन वाली नहीं है इसमें। इसको तो बंदा डॉन के अंदर कोई टपोरी सॉन्ग नहीं होता क्या, कोई डायनासोर होता उसके लिए बंदा बुलाए इसको छोटे मोटे काम के लिए, अपाई डॉन और कब्जा से छुड़ा दे, कब्जा छुड़ा दे, ठीक है ना। ये वो शिकार पे निकला, अभी वो सोया हुआ था, अब हाँ, उठ गया है, उठ गया है, वो सब पहचानते हैं वो कौन है यार। 12 साल बाद डॉन साहब जागे है, याद आया यार, बड़ा सुस्त किस्म का डॉन है ये तो, जरा 12 साल सुता रहे। और ये जो है ना, वो क्या कहते हैं, एकता कपूर की मूवीज की तरह है, डॉन को रिफ्रेस किया है। अब पिछले कोई बैकग्राउंड लगाएंगे सर, टन 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 सॉन्ग लगे होंगे, डॉन को जी डॉन साहब मार पड़ गई है, डॉन साहब जख्मी हो गए, डॉन साहब से ठीक करा के। इसकी इससे ज्यादा दहशत तो हमारे डॉन की है, कराची में था अल्ताफ भाई की। भाई इससे ज्यादा दहशत तो इधर जो है ना, वो काम वालियों की होती है घर में, ठीक है ना यार। ये कौन सा डॉन है? इससे ज्यादा दहशत तो गली के कुत्ते की होती है, खड़ा सा पास गुजरता नहीं, कोई नहीं गुजरता यार। ये क्या है, ये क्या है? इससे ज्यादा दहशत तो मेरी बेगम की है, वो सिर्फ वहां पे है बेटा। 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, और तू तो आधे घंटे से पड़े जा तू भागी दुबई में चला गया यार, दुबई में चला गया। ये बैकग्राउंड तकरीबन दुबई का लग रहा था, सबसे दुबई सेफेस्ट 10 मिनट में फाड़ लेना भाई, सबसे सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड दुबई जी जाके बढ़ गया, बढ़ गया वो तो जाके। उनको यही टिपिकल स्टोरी होनी है, कोई चोरी करेगा किसी बैंक की, डॉन साहब डॉन 3 जो है ना, तकरीबन जो है ना धूम 3 वाला साहब, धूम 3 वाला साहब, एक बटन दबाना मोटरसाइकिल कश्ती बन रही है, गाड़ी बन जाएगी, जहाज बन जाएगा, अब आम गधे बन गए हैं जो देखने फिर चल पड़ेगी इनको यार। कोई मतलब कोई जिंद जान होती है, कोई फेस कट होते हैं, कोई रोब होता है, डॉन तो फूलल देख जाएगा। ए डॉन तो उन्हें ही है कि पुलिस से लग जाएगा तो रिश्वत ला लेगा, ठीक है ना यार। डॉन है ये डॉन है, ये क्या है, ये क्या है, ये मजाक है हमारे साथ। बजट कम करना था यार, कोई खराद खरूत मांग लेते फरहान अख्तर, इससे अच्छा तो यार उसको ले आते, वो जो था मिर्जापुर में, कौन था, पंकज त्रिपाठी का जो बेटा होता है,
अच्छा मुन्ना भैया की दहशत से ज्यादा भैया मुन्ना भैया को ले आते आप यार। कालीन भैया को मार तो गया था मिर्जापुर में, मुन्ना भैया को ले आते। यार क्या डोन है ओ भाई जान, उसकी वो ऐनक लगाई के इतना जलवाया मारा, कसम से यार लोग देखने जाते यार उसकी एक्टिंग यार। अभी मैंने VFX का थोड़ा सा इन्होंने मैं हिंट दे दिया चलक दिखाई है कि चलक हम क्या करने लगे हैं VFX में, तो मेरे लिहाज से तो VFX का फायदा कोई नहीं होने वाला। आई थिंक हमें जवान का वेट कर लेना चाहिए। जवान वो देखने वाली होगी कि क्या होता है उसमें, शाहरुख खान साहब ने सब बना हुआ, उसमें शाहरुख खान की मम्मी भी बना हुआ है, उसमें रजनीकांत भी बना हुआ है, गंजा भी है, पटिया भी लपेटिया ने सारा कुछ किया, वो देखने वाली होगी एक मूवी में सारे मजे। हाँ जी तो समझ लो की होनी है बेसिकली भाईजान, बॉलीवुड का एंड हमें नजर आ रहा है, बॉलीवुड का एंड हो गया ठीक है ना, तमिल मूवियों का राज तो चल ही रहा है। तो अगर वो कहते हैं भाईजान बोंगियां देखनी है तो सर जर्मन बोंगियां देख ले, तमिल मूवी की देख ले, बोंगियां भी देखनी तो इनकी देखनी है। आपको ना एक चीज समझाता हूँ, आप कभी गौर करो, आप MCU या DC की या जो भी आप हॉलीवुड की मूवी देखो, फिक्शन है साइंस फिक्शन है, अगर स्टोरी भी है तो जो साईफाई भी है लेकिन वो रियल फील होती है, रियल फील होती है। शायद उनका तो पता यार कि बोंगी मार रहे लेकिन शुरू से हो सकता मैं कह रहा हूँ शुरू से हम उनको देख रहे हैं कि वो इस तरह की मूवीज बना रहे हैं, शायद हमारा माइंड उस बात पे सेट हो गया कि जो साईफाई मूवीज हैं या फिक्शन है और जो है ना वो इस तरह की जितनी भी टेक टाइप की मूवीज हैं कोई फिजिक्स से रिलेटेड है वो इनमें उनपे सूट करती है। लेकिन जब हम इसी चीज को इंडिया पे इम्प्लीमेंट करते हैं मुझे वो कभी भी फील नहीं। सर इन्होंने 2012 में मूवी लगाई बनाई थी शाहरुख खान ने रावण, उसके VFX जो है वो आज की मूवी से भी ज्यादा बेहतर, और वो थोड़ा बहुत अच्छी भी लगती थी, वो वाकई मूवी लगती थी जिसमें आप प्रेजेंट कर सकते थे। सर वो अपने टाइम बॉलीवुड टाइम से आगे की मूवी थी कि बॉलीवुड भी जो है ना एक्शन हीरोज बना सकता है। अब आप क्रिश को देख लें, आप क्रिश को जितनी मर्जी हाइप दे लें वो यार वो, अब मुझे बताओ इधर वो जहाज लैंड करके उधर वो आके इस तरह से ठुमके लगा रहे, ये क्या क्रिश है, ये क्रिश कहाँ से उठा है? इसलिए उन्होंने बंद कर दी फ्रेंचाइज क्रिश की, ये भोजपुरी क्रिश है। लगता है जिन्होंने क्रिश बोर्ड निकाली ना उसके अंदर टाइगर श्रॉफ को ले आया, ये मेरे ख्याल से जो है ना चुगियों वाला क्रिश है। ठीक है ना, जो 50 रुपए पे काम भी कर देता और नाच भी लेता है, ठीक है जी क्रिश साहब बैंक लुटे हैं बंदे पढ़ने चल रहा है रस्से जी, किसी ने कहता बेटा ये अंडे प्याज भी ला दो वो भी ला के देता, वो भी ला देता, सोशल सर्विस क्या कर सकते हैं, हम अच्छे बंदे हैं, शो करवाना है, इंडिया भी कुछ केपेबल है। बेसिकली केपेबिलिटी आप लोगों की इसलिए असर नहीं है कि VFX को आप छोड़ दें, VFX आप ऐड कर लेंगे वो एक अलग सीन है, लेकिन एक सीरियस मूवी, डेड सीरियस मूवी है उसमें आप गाने ले आते हो, और मूवी हॉरर हो, रोमांटिक हो, सैड हो, थ्रिलिंग हो, ड्रामा हो, उसके अलावा किसी किस्म की भी आप मूवी कर लें, गाने क्यों बीच में आते हैं, आइटम सॉन्ग कोई नहीं आ रहा होगा, बोरियत हो रही होगी, पता मूवी फ्लॉप जाने लगी है, स्टोरी को कोड़े लग गए हैं, तो साथ ही जो है ना एक आइटम सॉन्ग ऐड कर देंगे और नोरा फतेही का ऐड कर देंगे बस, और एक उन्होंने लब गई है लिसी सामी, सारे मूवी जो उन्होंने वाड़िया होंदा वो सारा सासा लगदा, मैनूं लगदा इंडिया जिहड़ा अपना सारे फॉरेनर्स है उहदे ते खाली करेगा ते उह तुहाडी मूवियां ते लाएगी जी, राखी सावंत को ले जिहड़ी गालां भी कड्ढे नच भी लवे पैसा नच भी लवे पैसा भी कट लवे ये भी ठीक है, ये ठीक है। तो आई होप आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, अगर आपको डॉन 3 का ट्रेलर पसंद आया, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई तो फिर आप जाके डॉन 3 देखें, ठीक है आपको कल कर ये हाँ। जो जो है ना रेस 3 देख सकता है वो डॉन 3 भी देख सकता है, डॉन 3 भी देख सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उससे पहले इस चैनल को जाते जाते जो है ना सब्सक्राइब करके जाना, गुस्से में जी हाँ इंडिया का क्यों रोस्ट किया इसको गुस्से में सब्सक्राइब करके जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए निकल मेरी जिंद मेरी जान जर्नल लासिम मुनी, मेरी जिंद मेरी जान जर्नल लासिम मुनी।